नमस्कार बाबा, राष्ट्र न्यूज में आपका स्वागत है। अब चलते हैं खबरों की ओर। चिरकुंडा बालूघाट से बालू उठावा बंद होने के कारण बालू से जुड़े हुए मजदूरों ने चिरकुंडा के झामुमो के अध्यक्ष रंजीत बावरी और रंजीत रवानी के नेतृत्व में मजदूरों ने सुंदरनगर श्मशान घाट में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें यह चर्चा किया गया कि बालू से जुड़े मजदूर भुखमरी से गुजरने लगे हैं। रंजीत रवानी का कहना है कि बालू बंद है तो सबके लिए होना चाहिए। चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड संख्या 21 में PCC रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बालू का उपयोग हो रहा है। आखिर यह बालू कहां से आया, आगे सुनिए रंजीत रवानी ने क्या कहा। यहां के नागरिकों का कहना है कि जैसे यहां के जो नागरिक है, मजदूर भाई लोग हैं जो बालू से अपना पेट चला रहे थे, तो उन लोगों का कहना है कि अगर बालू बंद है तो यहां पर जो ये नगर परिषद अंतर्गत चिरकुंडा सुंदर नगर 21 नंबर वार्ड में जो विकास कार्य हो रहा है, रोड जो बन रही है, तो उसमें ठेकेदार साहब बालू कैसे यूज कर ले रहे, कहाँ से ला रहे बालू? अगर बालू बंद है तो बालू कहाँ से ला रहे हैं? इन लोगों का कहना है कि ठेकेदार पे भी केस होना चाहिए बालू चोरी का। बालू चोरी का ठेकेदार पे भी केस होना चाहिए। बालू जब बंद है तो कैसे काम हो रहा है, यही इन लोगों का कहना है। बालू बंद है तो किस तरह से कैसे बालू, मतलब उनका काम कैसे हो जा रहा है, अपना आगे कैसे बढ़ जा रहा है काम, तो जो ठेकेदार उन पर केस होना चाहिए बालू चोरी का। जो ठेकेदार है जो रोड बना रहा है उनका ऊपर कैसे होना चाहिए, बालू कैसे आ रहा है, वही कहना है इन लोग का कि बालू कैसे आ रहा है, फिर वो यानी कि बालू चोरी कर रहा है वो। किस पर होना चाहिए, ठेकेदार पे? ठेकेदार है जो ठेकेदार है जो रोड बना रहा है उनका ऊपर कैसे होना चाहिए, बालू कैसे आ रहा है, वही कहना है इन लोग का कि बालू कैसे आ रहा है, फिर वो यानी कि बालू चोरी कर रहा है वो। और भी लगातार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।